पलामू लोकसभा सीट पर लालू यादव ने कांग्रेस के साथ खेला कर दिया है और चतरा में शायद खेला करने वाले हैं। ठीक वही खेला जो लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के साथ बिहार के पूर्णिया सीट पर भी किया है। पूर्णिया से कांग्रेस पप्पू यादव को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन राजद ने वहां से बीमा भारती को टिकट दे दिया है और अब पप्पू यादव निर्दलीय ही सही लेकिन चुनाव लड़ने की जिद ठान बैठे हैं। ठीक उसी तरह झारखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सीट शेयरिंग के बाद कहा था कि पलामू सीट पर कांग्रेस अपना प्रत्याशी उतारेगी, लेकिन अब राजद ने पलामू से ममता भुइयां को टिकट दे दिया है, यानी कि भाजपा के खिलाफ इंडिया गठबंधन की तरफ से ममता भुइयां ऑफिशियल प्रत्याशी हो गई हैं। इधर राजद कोटे से झारखंड में मंत्री सत्यानंद भोक्ता कह चुके हैं कि पलामू और चतरा पर राजद का अधिकार है, यानी पलामू के बाद राजद चतरा पर भी अपने प्रत्याशी की घोषणा करने जा रही है। सूचना है कि चतरा से राजद के प्रत्याशी गिरिनाथ सिंह हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को झारखंड में सिर्फ 6 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ेगा। क्या कांग्रेस लालू प्रसाद यादव के सामने झुकेगी और 6 सीटों पर संतोष कर पलामू और चतरा में कोई प्रत्याशी नहीं उतारेगी, या फिर किसी एक सीट पर दोनों पार्टियों की तरफ से उम्मीदवार देखने को मिलेगा? क्योंकि एक बात तो तय है, राजद में लालू प्रसाद यादव का फैसला ही अंतिम फैसला होता है और लालू ने ममता भुइयां को टिकट दे दिया है। लालू के इस कदम का झारखंड की सियासत पर क्या होगा असर? इस फैसले पर कैसे रिएक्ट करेगी कांग्रेस और पलामू में भाजपा के प्रत्याशी विष्णु दयाल राम को कितना टक्कर दे पाएगी ममता भुइयां? आइए समझते हैं सब कुछ बहुत विस्तार से। नमस्कार जोहार, मेरा नाम है आकाश आनंद और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर का पॉलिटिकल विश्लेषण का विशेष कार्यक्रम सियासी कहानियां। देखिए, बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटों में से मात्र 9 सीटें कांग्रेस को मिली है और झारखंड में 7 सीटें, यानी कि 14 में से 7 सीटें कांग्रेस को मिलने की बात सामने आ रही थी, लेकिन लालू ने ममता भुइयां को टिकट देकर कांग्रेस के दावे को निराधार कर दिया है। यदि कांग्रेस ने लालू का विरोध करते हुए पलामू में अपनी तरफ से भी प्रत्याशी उतार दिए तो यहां से भाजपा की जीत लगभग लगभग पक्की हो जाएगी। हालांकि इस बात की संभावना न के बराबर है, ममता भुइयां का नाम लालू वापस ले लें यह भी नहीं हो सकता, यानी होगा ये कि पलामू से इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी ममता भुइयां ही रहेंगी और बीडी राम के खिलाफ चुनाव भी लड़ेंगी। सबसे पहले यह समझते हैं कि पलामू में ममता भुइयां के जीतने की संभावना कितनी है, तभी तो पूरा मामला समझ में आएगा। पलामू एक SC रिजर्व सीट है, जाहिर है कि यहाँ केवल SC उम्मीदवार ही पर्चा भर सकते हैं। इस सीट पर SC आबादी 25% से अधिक है। पिछड़ों की राजनीति करने वाली राजद यहां से सिर्फ 2 बार जीत हासिल कर सकी है और 2004 के बाद से लगातार राजद यहां से चुनाव हार रही है, जबकि भाजपा पिछले 2 बार से यहां चुनाव में जीत दर्ज करने में कामयाब रही है। 2019 में भाजपा को यहां 62% वोट मिले थे, जबकि राजद को हर बार 21-22% वोट मिले हैं। यहाँ की 6 विधानसभा सीटों में से 4 पर भाजपा के विधायक हैं। अब अगर राजद ने इतने कॉन्फिडेंस के साथ यहाँ से प्रत्याशी उतारा है तो निश्चित तौर पर उनकी तरफ से जीत की रणनीति तय की गई होगी। जो भी समझने की कोशिश करते हैं और इसे आगे भी समझने की कोशिश करेंगे, हमने आपको बताया था कि पलामू में भाजपा के कार्यकर्ताओं में भी बीडी राम को लेकर नाराजगी है और यह नाराजगी राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा तक भी पहुंचाई जा चुकी है। कई मंडल अध्यक्षों ने चिट्ठी लिखकर और पोस्टर चिपकाकर बकायदा अपना विरोध जताया था और ये चिट्ठी लिखने वाले लोग BJP के कट्टर कार्यकर्ता थे। क्योंकि यहां से केवल SC प्रत्याशी ही हो सकते हैं तो नाराज लोगों का वोट ममता भुइयां के पक्ष में आए इस बात की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। ममता भुइयां पूर्व मंत्री दुलाल भुइयां के रिश्तेदार हैं। उन्होंने 1 साल पहले भाजपा का दामन थामा था, लेकिन कुछ दिनों पहले ही उन्होंने लालू की उपस्थिति में राजद ज्वाइन किया। वे दलितों के बड़ी नेता हैं और इसलिए राजद पलामू से अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भी है। पलामू में सबसे अधिक आबादी राम टाइटल वाले मतदाताओं की है, यह संख्या 15% से भी अधिक है। इसके बाद मुस्लिम 14% और सिंह टाइटल वालों की संख्या 10% है।
यादव टाइटल वाले 6% हैं और भुइया टाइटल वाले 5%। जातीय आधार पर तो बीडी राम को फायदा होता दिख रहा है, लेकिन यादव मुस्लिम और भुइया गठजोड़ की संख्या लगभग 25% तक पहुंच जाती है। शायद इसलिए ही राजद को पलामू में इतना कॉन्फिडेंस मिल रहा है। एक वजह यह भी हो रही है या ये भी हो सकती है कि बीडी राम स्थानीय नहीं है, जिसका भी असर चुनाव में देखने को संभवतः मिल सकता है। पलामू के बाद अब हम थोड़ा चतरा की तरफ चलते हैं। यहाँ से भी राजद अपना दावा कर रही है और ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ से लालू गिरिनाथ सिंह को खड़ा करने पर विचार कर रहे हैं और इसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। गिरिनाथ सिंह भी ममता भुइया की तरह हाल ही में भाजपा से राजद में शामिल हुए हैं। वे झारखंड में राजद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और संयुक्त बिहार में मंत्री भी, लेकिन 2019 के चुनाव के पहले उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया था। वे चतरा से सांसदी का टिकट तब भी चाह रहे थे, लेकिन भाजपा ने सुनील सिंह को तब अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया था। 5 सालों के लंबे वनवास के बाद गिरिनाथ सिंह को भरसक उम्मीद थी कि इस बार यानी 2024 में उन्हें टिकट भाजपा जरूर देगी, लेकिन इस बार भी सुनील सिंह और गिरिनाथ सिंह की बजाय भाजपा ने कालीचरण सिंह को मैदान में उतारने का बड़ा फैसला किया। इस बात का जबरदस्त विरोध गिरिनाथ सिंह के गुट से भी देखने को मिला है, विशेषकर तब जब राजनाथ सिंह चतरा आए थे। तब गिरिनाथ सिंह के समर्थकों ने सुनील सिंह के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की थी, लेकिन जब बात नहीं बनी तो गिरिनाथ सिंह अपने पुरानी पार्टी राजद में वापस लौट गए और अब वे राजद की टिकट पर चतरा से भाजपा के खिलाफ ही चुनाव लड़ने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। समझते हैं कि चतरा में दरअसल चल क्या रहा है। देखिए, चतरा में एक तरफ भाजपा के बैनर के साथ कालीचरण चुनाव प्रचार शुरू कर चुके हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में पेंच फंसता दिख रहा है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी चतरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि चतरा कांग्रेस की परंपरागत सीट रही है। पिछले चुनाव में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन राजद विधायक सत्यानंद भोक्ता खुलेआम कह चुके हैं कि इंडिया गठबंधन की तरफ से वे चतरा से उम्मीदवार होंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी चतरा लोकसभा सीट पर यूपीए गठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के बीच तालमेल नहीं बैठ पाया था। इस कारण यहां से कांग्रेस से मनोज यादव और राष्ट्रीय जनता दल से सुभाष यादव चुनाव लड़ रहे थे। कांग्रेस के मनोज यादव को करीब 1.5 लाख वोट और राजद कोटे से सुभाष यादव को करीब 83,000 वोट मिले थे। फ्रेंडली फाइट के चक्कर में यह सीट भाजपा की झोली में गई थी और सुनील सिंह आराम से चुनाव जीत गए थे। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो भाजपा के प्रत्याशी कालीचरण सिंह की जीत चतरा से निश्चित मानी जा सकती है। लेकिन यदि दोनों पार्टियां माने कांग्रेस और राजद आपस में मशविरा करने के बाद किसी एक ही प्रत्याशी को उतारने पर राजी होते हैं तो चतरा में भाजपा को कड़ी टक्कर जरूर मिल सकती है। मैं यह इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि हाल ही में कालीचरण सिंह के विरोध में राजधानी यादव के समर्थक रांची स्थित भाजपा कार्यालय पहुंच गए थे। कई जिलों के कार्यकर्ताओं ने कालीचरण सिंह का विरोध जताया था। अब ऐसे में कालीचरण सिंह के विरोध में जब पार्टी के भीतर ही आवाज उठ रही हो तो इंडिया गठबंधन के लिए राह आसान हो जाती है, बशर्ते गठबंधन की तरफ से कोई एक ही प्रत्याशी मैदान में उतारा जाए तब। हालांकि एक बात और है, कालीचरण सिंह जिस आक्रामकता के साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रहे हैं, जितनी मेहनत कर रहे हैं, उससे प्रतीत होता है कि विपक्षी खेमे से प्रत्याशी की घोषणा में देरी से इसका स्पष्ट फायदा कालीचरण सिंह को जरूर मिलेगा। फिलहाल चतरा और पलामू सीट पर हमारी नजर बरकरार है दोस्तों। यहां से जो भी अपडेट आता है हम आप तक तमाम अपडेट्स जरूर पहुंचाएंगे। इसके अलावा आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा गिरिडीह पहुंच चुकी है और आपके मुद्दे आपके विचार प्रमुखता से दिखा रही है। हमसे मिलने के लिए हमें कमेंट में आप अपना पता लिखकर भेज सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि हमारी और आपकी मुलाकात कहां और कैसे हो सकती है। इस वक्त आप जानते हैं कि द फोर्थ पिलर की जनमत यात्रा झारखंड के 14 लोकसभा चुनाव में यानी 14 लोकसभा सीट पर निकलने को बिल्कुल तैयार है। अगले 2-3 दिनों तक हम गिरिडीह में रहेंगे और इसके बाद हजारीबाग, इसके बाद धनबाद और इसके बाद तमाम अलग अलग लोकसभा सीटों पर भी हम जाएंगे। अगर आप हमारी टीम से मुलाकात करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि द फोर्थ पिलर को अमुक विषयों पर भी वीडियोज़ करनी चाहिए तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर तमाम जानकारियां पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपको ज़रूरत पड़े हमारे नंबर की, फ़ोन नंबर की, तो डिस्क्रिप्शन में हमारा फ़ोन नंबर भी मौजूद है। आप चाहें तो हमें वहाँ फ़ोन भी कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज द फोर्थ पिलर के दर्शकों में जितने दर्शक चतरा और पलामू से हैं उनकी शिकायतें कम हुई होंगी
क्योंकि लगातार चतरा और पलामू से लोग कह रहे थे कि भैया यहाँ का वर्तमान सियासी समीकरण क्या है, जरा सियासी कहानियाँ में इसे भी तो बताइए। तो चतरा और पलामू की बात आज हो गई, अगली बातचीत गोड्डा पर होगी, क्योंकि खबर है कि गोड्डा में कांग्रेस पीछे और जेएमएम आगे चल रही है। इसको लेकर भी सियासी कहानी के अगले अंक में हम जरूर हाजिर होंगे। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर का नया नवेला सेगमेंट सियासी कहानियां। मैं हूं आपके साथ आकाश आनंद और कैमरे के पीछे हैं अभिषेक। शुक्रिया।